डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप? अब ये वीडियो किसकी बन रही है? लाहौर बोर्ड वालों के लिए बन रही है, ठीक है। अब अच्छी तरह से देख रहे हैं मैंने। अब इसमें क्या कर दिया, इसमें हाईलाइट कर दिए ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लाहौर बोर्ड में भी आते हैं, गुजरात वाले बोर्ड में भी आते हैं। ये जी पहला चैप्टर है, ये देखिए, व्हाट आर द प्लैनेट्स, ये व्हाट हैपन वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जींस, आवर रिंग स्टार केम व्हाट ड्रिंग थ्रू स्पेस कम नियर द सन। ये जी क्वेश्चन आंसर दे दिया। उसके बाद है, व्हाट आर द प्लैनेट्स, हाउ डिड एंट्री केम टू एग्जिस्टेंट। अब ये सवाल जो आपका लाहौर में भी आता है, गुजरात वाले बोर्ड में भी आता है, व्हाई देयर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार्स, ठीक है। और उसके बाद है, व्हाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ टाइटेनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सवाल दोनों बोर्ड में आता है, लेकिन ये वीडियो किसकी बन रही है? लाहौर बोर्ड की बन रही है, अगर कन्फ्यूजन ना हो आपको। यहाँ से आपके पास सवाल आता है कि डिफाइन द टेम्परेचर बेल्ट, ये सवाल बहुत आता है लाहौर बोर्ड में, तो इसको भी आपने तैयार करना है। अगला आ जाए, व्हाई डज लाइफ सीम्स टू हैव अ पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स, ये भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। दूसरे चैप्टर पे आ जाएंगे जी, हाउ इज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़, ठीक है। राइट अ नोट ऑन बेटर सैनिटरी कंडीशन अवेलेबल आवर सिटीज टूडे एंड कम्पेयर दैम विद वट दे वर लाइक 100 years ago। उसके बाद हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, वेरी आसान है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, ईजी है, याद करेंगे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हाउ इज़ द साइंटिफिक मेथड अनेबल अस टू गेट आवर द ओल्ड फेयर्स, ठीक है, ये करना आप लोगों ने। और नीचे आपके पास ये भी है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, इसको क्रॉस लगा दें। मैंने क्रॉस लगा दी इसकी वीडियो का पूरी देखा मेरा। यहाँ मेरे पास है, व्हाट इज योर साइंटिफिक कंडीशन कॉज, क्या वजह बनती है, ठीक है ये। और व्हाट हैपन टू द मोस्ट ऑफ द बेबीज इन द पास्ट, ये करना आप लोगों ने। यहाँ पर आ जाए, व्हाट इज मीन ऑफ डिहाइड्रेशन फॉर प्रिजर्विंग ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे इसके बाद मेरे पास यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर देर आर सम बॉयज़ हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, हु आर दे, कैन वी हेल्प दैट, इस तरह का सवाल तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। अब ये सवाल एग्जाम में इसी का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे देखिए क्या लिखा, विच आर द टू मेन क्लासेज ऑफ बॉयज़ हु फेल इन द कॉलेज, तो ये वही सेम है। अब ये वाला कर लें या ये वाला कर लें, वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद, हाउ डज मोस्ट टेकन पेशर द पार्ट ऑफ बॉयज एंड देयर पेरेंट्स लेट टू अ फेलियर ऑफ द बॉयज, ये करना आपने। हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लेट टू द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट डिस्क्राइब द लेसन, ये करना है। जो इस तरह का आता है, डू यू केम सेम, ये वाली इस तरह की सवाल ही एक्स्ट्रा। टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लेट टू द फेलियर टू द कॉलेज, ठीक है, ये सवाल करना है। जिस पर मैं निशान लगा रहा हूँ वो करना आपने। देयर आर द स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेज फॉर द फन, शुड दे अलाउ टू स्टे, ये सवाल आप लोगों ने करना है, जिसके ऊपर ये मैंने हाईलाइट किया फिर एक। और एक सवाल आप लोगों ने नहीं, ये वही है, अब इधर आ जाएँ, ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉलेज डीन, ये सवाल आपने करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे मेरे पास है कि व्हाट वाज़ द डैडीज़ एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय, और दूसरा है, व्हाट वाज़ द जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ, ये करना है। ही लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम, फ्रीडम फॉर व्हाट, और विशेज डू नॉट कम थ्रू इन द लाइफ, ये सवाल आप लोगों ने करना है। एंड बस ये जिस पर मैंने हाईलाइट किया वो पीछे आ जाए। इसमें से एक सवाल ये भी आ जाता होता है, हाउ डू डाइचीज फील ऑन सैटरडे नाइट, ठीक है, ये सवाल आप लोगों ने करना है। और व्हाट डू डाइचीज फील डिप्रेस व्हेन ही वाज अ स्कूल बॉय, और व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेक्टिव साइट्स, ये आप लोगों ने नहीं करना क्योंकि गुजरात वाला बोर्ड का है, कभी कभी आ जाता है और कभी कभी नहीं आता, ठीक है। मैंने इसलिए आपको कहा है कि आप लोगों ने क्या करना है, सेम सिलेबस है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, ठीक है। तो ये सवाल है, लास्ट में आ जाए, What did your diaries feel at the start of the summer holidays? ये सवाल आपको करना है, ठीक है। यह जी चैप्टर नंबर मेरे पास है, डिस्ट्रॉय बुक्स वाला है। पहला सवाल है कि व्हाट इज जे डोर्सी स्क्वायर मींस बाय फेस ऑन नॉन बुकिश पीपल, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट शॉर्ट ऑफ बुक्स डिड द राइटर गेट अकोमोडेटेड इन हिज फ्लैट, और व्हाट डिफिकल्टी बॉट जे डोर्सकेयर्स विद इन द शेडो ऑफ द रॉक, ठीक है, ये सवाल आपने करने क्योंकि आए हुए हैं। और वाई वॉज द राइटर फ्रेटेड व्हेन द पुलिस मैन लुक्ड एट हिम, या बास पर इस तरह भी आता है, व्हाट द राइटर फील अनइजी व्हेन ही सॉ अ पुलिस मैन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही पेपर में आ जाते हैं, लेकिन मैंने आपको इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा करके बता दिया। हाँ जी, पहला सवाल है, हाउ डिड जर ओम कम टू सक्सेस डैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, और बास का पेपर में एग्जाम में क्या करते हैं, इसकी जगह क्या लिख देते हैं, राइटर, तो ये वही सवाल है। उसके बाद है, व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल आप लोगों ने याद नहीं याद करना है, और बस ठीक है। पीछे आ जाए, व्हाट इट जे ओम, बड़े नाम ही बड़ी मुश्किल जी पकड़ी, डॉट
ठीक है, गो टू द ब्रिटिश म्यूजियम, ये सवाल भी आप लोगों ने करना है. व्हाट डिड मॉक डिस्कवर अबाउट योर टाइफाइड, ये भी सवाल आपने करना है. बस फाइनेंशियल कह रही है मेरे पास चैप्टर है सातवां, ये तो बहुत ईजी है. ठीक है, व्हाट डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट ही कॉन्ग हैड एन ऑफिस सीक्रेट टू रिलीव, ये सवाल आप लोगों ने करना है, देखिए सिंपल है. उसके बाद क्या है कि राइट एट लीस्ट टू ब्लंडर्स ही कॉन्ग कमेंटेड आफ्टर लीविंग द मैनेजर ऑफिस, ये करना है. और आफ्टर दिस मिस एडवेंचर इन द बैंक वेयर डिड ली कॉन्ग कीप हिज मनी, और ये सवाल आप लोगों ने करना है. और एक सवाल इसमें से ये भी आ जाता होता है कि व्हाट काइंड ऑफ मैन द मैनेजर वाज, किस किस्म का वो आदमी था. और यहाँ पर आते हैं व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द बैंक ऑफिशियल्स व्हेन ली कॉन्ग लेफ्ट द बैंक, सिंपल क्या करने लगे थे ये आपको पता ही होगा. या उसने फिर चाइनीज वे तो प्रोग्रेस की तरफ आते हैं. मेरे पास दूसरा सवाल है डिस्कस एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है. हाउ डज चाइनीज रिलाय ऑन इट्स ऑन रिसोर्सेज है, इसका है सर डे इन लाइफ ऑफ चाइनीज स्टूडेंट्स. और ये भी आप तारी ले चाइनीज वूमेन वाला, ये भी आ जाता है. अच्छा, उसके बाद मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो. आगे आ जाएँ, राइट व्हाट इज इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो. यहाँ से आप लोगों ने करना है कि हाउ इज पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज बीइंग कंट्रोल्ड इन चाइना, तो ये सवाल है. ठीक, नौवें चैप्टर, बस ये आठ तक आप कर लेना, आठ चैप्टर कर लेना, ये लो बोर्ड गुजरा वाला बोर्ड तक तो आपका पेपर हो जाएगा. ये नौवां दसवां तो मैंने वैसे सिलेक्टिव बता दिया आपको. देखें व्हाट डज हैंगर मीन ऑन लार्ज स्केल, ये सवाल है. उसके बाद इसमें से आता है व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज टूडे, और उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड हाउ डे इफेक्ट इन ऑन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज. बस तो ये नौ तो चैप्टर आपके क्लियर हो गए हैं. तो आप बच्चों ने क्या करना है, इसको इसी याद कर लें, इंशाल्लाह पेपर आपका इसमें से आएगा. सवाल वही होते थोड़े से को आ जाते तो वही मैंने कोशिश की आपको बताने की. तो टेंशन में नहीं, घबराना नहीं है. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में शेयर करें, लाइक कीजिएगा. और अगर कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि जब भी नई वीडियो आए ठीक है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके. और वीडियो को फिर बता रहा हूँ कि डाउनलोड करके ना देखें, टाइम वेस्ट ना करें, वीडियो सारी पड़ी हुई है उस लिस्ट में, आप आराम आराम से देखें. ठीक है, इस चैनल को ग्रो करने में हमारा साथ दीजिएगा ताकि हम एजुकेशन से मुतालिक और बहुत सी चीज़ें आप लोगों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए सहूलतें पैदा करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ.